नमस्कार, मैं विनोद अष्टव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉइस टीवी। आज हमारे पत्रकार साथी हैं पूनम सागर, जो कि ग्राम पंचायत रायदास के से जो प्रबल दावेदार हैं सरपंच पद के, उनसे विस्तार से चर्चा कराएंगी। जी पूनम, कराएं चर्चा। नमस्कार, मैं पूनम सागर, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं पलवल जिले के रायदास गांव में। आज हमारे साथ मौजूद है सरपंच पद के भावी उम्मीदवार सोनू चौहान जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि जनता की किन किन समस्याओं को लेकर उनके बीच जाएंगे एवं उनका निवारण करेंगे। मैं आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार करता हूँ। मैं सोनू चौहान रायदास गाँव से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है और मेरे आसपास जो भी समस्याएं हैं उन्होंने मुझे काफ़ी आहत करा हुआ है। जैसे गांव में पेयजल की समस्या है, शिक्षा के बारे में किसी ने नहीं सोचा है आज तक, पानी की निकासी की समस्या है, बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए कोई स्थान अवेलेबल नहीं है, 12 घर की कोई व्यवस्था नहीं करी गई है, महिलाओं के लिए कोई पार्क नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है, गाँव का स्कूल आज भी 8वीं कक्षा तक, ये सब हैं जो मेरे मुद्दे रहे। मैं नहीं खुलने के पब्लिक के बीच में जाऊँगा और अपना मत रख। महिलाओं के साथ आजकल जो भी अपराध हो रहे हैं, तो महिलाओं के लिए आप क्या क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम सबसे पहले गांव में CCTV लगवाएंगे और महिलाओं को समाज के हाशिए पर लेके आएंगे, उनको सभी चीज़ों में सम्मिलित करेंगे। गांव की जो मीटिंग होंगी उनमें भी उनको लेके आएंगे, जिससे भी वो अपना पक्ष रख सकें। महिलाओं को अपना सशक्त बनाने के लिए, उन्हें अपना रोजगार करने के लिए उनके लिए सिलाई सेंटर की व्यवस्था करवाएंगे और इस तरह के कई प्रोजेक्ट हैं जो हमारे दिमाग में हैं, उनको शिक्षा के लिए अग्रसर करेंगे। जो भी लड़कियाँ हैं जो गाँव में सबसे अच्छे अंक लेके आएंगी, हम उन्हें उसका प्रोत्साहित करेंगे, लैपटॉप वगैरह देंगे, और जो भी बच्ची कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्वालिफाई करेगी हम उसके लिए स्कूटी वगैरह की व्यवस्था करवाएंगे, जिससे बच्चों में आपस में प्रतिस्पर्धा बनेगी और वो पढ़ने के लिए आगे अग्रसर होंगे। वर्तमान सरपंच के कार्यकाल को किस नजरिए से देखते हैं? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मैं नहीं करता हूँ, मैं जनसेवा के भाव से इसमें आया हूँ। पिछले सरपंच ने क्या किया उसका जो भी लेखा जोखा होगा वो जनता करेगी, तो मैं इस पर अपना कुछ मत नहीं रखना चाहूँगा। विपक्ष का कहना है कि सोनू चौहान राजनीति करते हैं, तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? अगर जनसेवा करना राजनीति है तो हाँ, मैं राजनीति करता हूँ। लोगों से संपर्क बनाना, उनकी समस्याएं दूर करना, उनकी बातें सुनना, उनके मत को आगे लेके जाना राजनीति है, तो मैं हाँ मैं राजनीति करता हूँ, लेकिन मेरी नज़र में ये राजनीति नहीं है, ये जनसेवा है। बीजेपी सरकार के 600 दिन पूरे हो गए हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसका अगर आप लो तो मिला जुला रिस्पॉन्स है, किसी वर्ग को फायदा भी हुआ तो किसी को नुकसान भी हुआ है, लेकिन जो ये कोरोना महामारी आई है इससे अगर इसको जोड़ के देखें तो सरकार इस मोर्चे पे थोड़ा विफल रही है। बाकी का कुछ काम इन्होंने ठीक करे हैं बट कुछ गलत भी करे हैं। सरपंच पद के और भी कई भावी उम्मीदवार हैं, तो सोनू चौहान क्यों एक बेहतर उम्मीदवार हैं? ये इस चीज़ का निर्णय पब्लिक को लेना है, जनता जनार्दन को लेना है कि मैं बेहतर क्यों हूँ। मेरी नज़र में मैं हर एक वर्ग से जुड़ा हुआ हूँ, चाहे वो युवा है, बुजुर्ग है, महिला है या कोई बच्चा, और जितना भी मेरा जीवन रहा है, बट मेरी उम्र 32 से 33 साल हो चुकी है, तो इस उम्र में मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैंने ठीक ठीक काम करे हैं। किसी का भला नहीं करा होगा तो बुरा 100% नहीं करा है, तो यही एक मेरा मत है कि मैं उनसे बेहतर। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपने गांव की जनता ही नहीं, जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है, मैं उन सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसा उम्मीदवार देखें कि जो आपके गांव का भला कर सके, आपका भला कर सके, आपके परिवार की सुरक्षा को आपकी व्यवस्था कर सके, पानी की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था, सब कुछ करे। तो आप, मैं अपने गांव के नहीं पूरे व्यूअर से यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छा उम्मीदवार चुने, पढ़ा लिखा उम्मीदवार चुने, अगर हो सके तो युवा ही चुने। आज हमारे साथ यहाँ के स्थानीय कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं एवं वर्तमान सरपंच के कुछ मेंबर्स भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जो भी काम किए हैं पहले सरपंचों की अपेक्षा इसने सही काम किए, तो और भी सरपंच थे वर्तमान इनसे पहले उनसे अच्छे काम किए। वोट तो अभी कोई निश्चित नियम किसको दें, आप ही खड़े हों, क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं? काम में सुविधा क्या, काम में स्कूल का है, बैंकेट हॉल का है, पानी का है, कोई सुविधा नहीं, उसकी सुविधा चाहते हैं।
बच्चों के लिए पढ़ने लिखने की, हमारे जो बच्चियां हैं वो बाहर जाती हैं, हमारे यहाँ दसवीं कम से कम दसवीं या बारहवीं का सपोर्ट तो होना चाहिए। आप खुद एक मेंबर हो ग्राम पंचायत, हाँ, वर्तमान जो सरपंच से कैसे काम करेगा? काम में काम उसने जो करे हैं वो ठीक है, जैसे उसने किया है तो हम इसके बारे में ज़्यादा क्या कह सकते हैं। वीरेंद्र चौहान कुछ दोहन बेहद दोहन मेंबर ये विकास, अब की बार हम अच्छा पढ़े लिखे सरपंच और जो गांव की उन्नति करे ऐसे सरपंच को वोट देना चाहिए। गांव के विकास के लिए तो बहुत बहुत सारी योजना है, पानी है, पार्क है, बड़े बूढ़े इनके घूमने के लिए कोई पार्क नहीं है, बच्चे इनके लिए खेल कूद के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, ये सारी योजना होनी चाहिए। मेरी अपील बस यही है कि जो भी ग्रामीण सुविधाएं चाहते हैं उस पर एक जो भी जनप्रतिनिधि है सरपंच है उसका ये कर्तव्य है कि वो सारी चीज़ों की सुविधाएं मुहैया करवाए। अगर हमारे गांव हमारे पूरे भारतवर्ष की देखी जाए तो 74 वर्ष हो चुके हैं आज़ादी को और पंचायती राज को आए हुए करीब करीब 70 वर्ष हो चुके हैं, जिसमें करीब करीब 14 से 15 पंचायतें आके जा चुकी हैं। अगर एक पंचायत दो काम भी करती है कि गांव में तो करीब करीब 30 परियोजनाएं हमारे किसी भी गांव में आ चुकी होती, बट पंचायतों का उस तरफ कोई ध्यान गया नहीं है, कोई भी नदी हुए रास्ते और नालियों से आगे बढ़ा ही नहीं है, वो भी सही से नहीं कर पाए। तो हम इस तरह की राजनीति नहीं करेंगे, हम जनसेवा के भाव से आए हैं और बहुत कुछ बेहतर करके जाएंगे। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हमारे गाँव का नाम हरियाणा क्या हिंदुस्तान के लेवल पे आए। आप सभी जो जनता को देखना है कि वो कौन सा उम्मीदवार सही है, किसकी नेक नियत सही है, और मेरी नेक नियत को जो भी है मैंने पिछले 2-3 साल से गांव के लोगों के बीच हूँ, सबको अपनी बताया है और वो मुझे परखते हैं, जानते भी हैं बचपन से। तो बस यही है, यही मेरी अपील है कि मेरे व्यक्तित्व को देखें, अगर मुझे सही मैं सही लगूँ तो ही मुझे वोट करें, अगर मेरे अंदर भी कोई कमी है तो बेशक मुझे वोट ना करें। आप सभी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें और धन्यवाद। आपने विस्तार से देखा, हमारे साथ पूनम सागर जुड़ी हुई थी पत्रकार पलवल से जो कि ग्राम पंचायत रायदास का वर्तमान में जो प्रबंध दावेदार हैं सरपंच पद के सोनू चौहान, उनसे विस्तार से उन्होंने चर्चा की, उन्होंने बताया कि किन किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। जब उनसे सीधे तौर पर सवाल किया गया कि भाई आखिरकार वोट आपको ही क्यों दिया जाए, आप ये बताएं, तो उन्होंने कहा कि ये तो जनता को तय करना है कि जनता किसको वोट दे, लेकिन मैं अगर अच्छे से काम करूँगा, मेरा विजन और मिशन दोनों अच्छे हैं, गाँव के प्रति लगन है, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था तीन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे, इनका जैसा कहना है। सोनू चौहान हैं ग्राम पंचायत रायदास का जो कि पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वर्तमान में सरपंच पद के प्रबल दावेदार हैं और इनके साथ कुछ लोग बैठे हुए थे गांव के। जब उनसे हमारे पूनम सारद हमारे पत्रकार हैं, उन्होंने पूछा कि आप लोग क्यों इनके साथ हैं या आप किसे वोट देंगे, तो उसने सीधे सीधे तौर पर कहा कि अभी समय नहीं आया, जब होगा तो सबके सामने देंगे, लेकिन उसने कहा है कि हमें गाँव का भविष्य सोनू चौहान में दिखता है, ग्राम पंचायत रायदास का भविष्य सोनू चौहान में दिखता है, इसलिए हम सोनू चौहान के साथ लगना चाहते हैं। पर गांव के लोग की प्रतिक्रिया अलग अलग है। दूसरा, आप सभी इस कार्यक्रम से अगर सहमत हों और आपको ये अच्छा लगे तो कृपया शेयर जरूर करें। दूसरा, किसी गांव की कोई समस्या हो, कुछ परेशानी हो या कोई गांव से जिला परिषद से नगर परिषद से चुनाव लड़ने का इच्छुक व्यक्ति हो, वो आप हमसे अपना बात रख सकता, उनकी बातों को पूरे गांव पूरे जिला परिषद का जो वार्ड है उसके अंदर तक पहुँचाने का हम कार्य करेंगे। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी इसी